इंटरनेट या सोशल मीडिया जितने काम की जगह है उतने ही ज्यादा खतरनाक भी है अगर इसके नियम कायदे आप अच्छे से ना जानते हो। आपने ऐसे कई हादसों के बारे में सुना होगा जहां पर सोशल मीडिया पर लोगों को हैरेस किया गया हो या सोशल मीडिया पर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया हो। तो इस तरीके के हादसों को कहते हैं साइबर बुलिंग या ऑनलाइन हैरेसमेंट। तो ऐसी सिचुएशन से किस तरीके से बचा जाए आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हादसा कभी जिंदगी में हो ही ना उसके लिए आपको क्या एहतियात बरतनी जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो ये जैसा आप अपनी रियल लाइफ में दोस्त बनाने के लिए जो पैरामीटर सेट करके रखते हैं वही चीज ऑनलाइन लाइफ में भी आप फॉलो करें। सबसे पहले तो ये कि सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे अनजान लोगों से दोस्ती यारी ना बढ़ाएं जिनको आप रियल लाइफ में पर्सनल लाइफ में ना जानते हो। और सबसे जरूरी चीज कि अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी फोटो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें जिसका आपके खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि कहीं ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे मेरे खिलाफ इस चीज का, इस इंफॉर्मेशन, इस फोटो का गलत इस्तेमाल हो सके, ये बात जरूर ध्यान रखें। अब सबसे जरूरी बात कि अगर आपके साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं तो आपको क्या बातें करनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज कि अपने घर में किसी बड़े या किसी भरोसेमंद इंसान के साथ ये बात जरूर शेयर करें। दूसरी चीज कि जब भी आप किसी के खिलाफ केस बना रहे हो, फिर चाहे वो ऑनलाइन हैरेसमेंट या साइबर बुलिंग का केस क्यों ना हो, आपको सबूत रखने बेहद जरूरी हैं। तो ऐसी किसी भी पोस्ट, प्रोफाइल, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन जो आपके खिलाफ गलत या कमेंट का इस्तेमाल अगर आपके बुली करने के लिए हो रहा है, परेशान करने के लिए हो रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि वो सबूत के तौर पर काम में आएगा। इसी तरीके से जिस अकाउंट या जिस यूजर की तरफ से ऐसा कमेंट या पोस्ट आई है उसे भी फौरन ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। साथ में अगर मामला संगीन है तो आईटी एक्ट 2000 के तहत आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं फौरन। और आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का हादसा, इस तरीके की वारदात किसी महिला या बच्चे के खिलाफ की जा रही है तो आप फौरन पुलिस स्टेशन में जाकर इंडियन पीनल कोड या आईपीसी की धारा 354A और 354D के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जानकारी बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स के साथ क्योंकि ये जानकारी किसी को ऐसे हादसों से बचा सकती है और अगर उनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं तो उनको जागरूक बना सकती है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।